सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका कंप्यूटर टीचर नित्यानंद विश्वास। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज कंप्यूटर का पहला लेक्चर है ये, जिसमें मैं कंप्यूटर का आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। स्टूडेंट्स, मेरी पहले आपसे आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वो आप लोग उसको लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आप लोग एक नोटबुक लेंगे जिसमें आप लोग उसको लिखेंगे। और ये वीडियो मैं जिस पीडीएफ फाइल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बना रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वाला पीडीएफ फाइल भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। आप उस पीडीएफ फाइल से जो है अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। अभी जो है देखते हैं कंप्यूटर का पहला लेक्चर, जो कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर में है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विद मैनी फंक्शंस। ये कहता है कि कंप्यूटर जो है एक डिवाइस है बहुत सारे फंक्शंस के, बहुत सारे फंक्शंस मतलब जिसमें बहुत सारे, जैसे हमारे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये कंप्यूटर का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे फंक्शन जो है एक साथ जो है कंप्यूटर में लगा रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विद मैनी फंक्शंस। इट कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग राइटिंग लेटर, प्लेइंग गेम, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स एंड सो ऑन। तो ये क्या क्या कर सकता है, ये परफॉर्म क्या क्या करता है, देखिए। इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब आप जो है कोई किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है राइटिंग लेटर, यानी कि आप जो कोई भी लेटर लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। प्लेइंग गेम्स यानी कि गेम खेल सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप इसमें। वॉचिंग फिल्म्स एंड सो ऑन, सो आप लोग फिल्म भी इसमें देख सकते हैं, मूवीज़, और भी बहुत कुछ आप लोग इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे काम इसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए आप, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आप जो है आपने नोटबुक में बनाइएगा। मैं जो है जब ही स्कूल खुलेगा तभी मैं आप लोगों का नोटबुक चेक करूँगा और सभी को जो है ये सारे काम जो है आपको नोटबुक में करने हैं। ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, वन साइड नोटबुक आप लोग लीजिएगा इसके लिए। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर में, हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर आ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विद मैनी फंक्शंस। वो फंक्शंस क्या क्या है, यानी कि इसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एज ए सीन एक्सटर्नली आर, क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए हम एक्सटर्नली क्या क्या पार्ट देख सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम एक्सटर्नली क्या क्या पार्ट देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सीन एक्सटर्नली, जो हम कंप्यूटर के बाहर से हम मेन पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है, सबसे पहला हमारा है सीपीयू है। सीपीयू को हम सिंपली जो है पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है एकदम, और यही जो है ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। मॉनिटर, फिर नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, कोई भी चीज़ हम जो है इनपुट देते हैं तो हमें जो है आउटपुट मॉनिटर के थ्रू मिलता है, यानी कि हम स्क्रीन जो होता है, जो टीवी जैसे लगा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा मॉनिटर होता है। उसके बाद हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हम टाइप करते हैं वो मॉनिटर में हमें दिख जाता है। आगे क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या है,
उसके बाद हमारा आ जाता है माउस। माउस जो है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को चलाते हैं। देखिए ये माउस है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा वो हमारा क्या है, माउस है। ये देखिए हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग पार्ट्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट्स। तो कंप्यूटर में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये तो मेन पार्ट हो गए हमारे, क्या क्या है मेन पार्ट में, हमारे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद कीबोर्ड्स है, माउस है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके अलावा भी और भी पार्ट होते हैं, क्या क्या है देखिए, द फॉलोइंग पार्ट्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट, हो भी सकते हैं और ना भी हो सकता है। अगर ये ना भी है तब भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं। कंप्यूटर को किन किन चीज़ों के मदद से चला सकते हैं, देखिए मेन पार्ट है जिसके बिना, जिसके हेल्प से आप कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते हैं। और उसमें उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, द सीपीयू, सीपीयू होना ज़रूरी है आपका, एक मॉनिटर होना ज़रूरी है, कीबोर्ड होना ज़रूरी है और माउस होना ज़रूरी है। सो इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है लेकिन आप उसको लगा सकते हैं। तो क्या कह रहे, द फॉलोइंग पार्ट्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। मैं आपको बता देता हूँ स्पीकर क्या करता है, जैसे हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो साउंड होगा उसको सुनने के लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंटर, प्रिंटर से हम किसी भी पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कैनर से हम किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। तो आगे देखिए सीपीयू के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसको लिखेंगे, जब भी स्कूल खुलेगा तब मैं आप लोगों का कॉपी जो है नोटबुक चेक करूँगा। सो सीपीयू, सीपीयू को हम एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी थॉट ऑफ एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, यानी कि एक मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। इट कंटेंस ऑल द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक सम एंड मेक्स दैम वर्क टुगेदर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये सीपीयू जो है कंट्रोल ऑल अदर पार्ट, यानी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये सारे चीज़ें जो है सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और काम करता है। इट इज़ ऑल्सो वेयर द कंप्यूटर स्टोर ऑल इट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो सीपीयू होता है इसमें सारे कंप्यूटर का जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, यानी कंप्यूटर में जो भी चीज़ करते हैं वो सीपीयू में ही होता है। द सीपीयू इज़ ऑल्सो वेयर द ऑन ऑफ स्विच ऑफ द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड, यानी कि सीपीयू में क्या होता है, एक ऑन ऑफ स्विच भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सीपीयू में ऑन ऑफ स्विच भी होता है, वही कह रहे हैं इसमें। इट ऑल्सो हैज़ ओपनिंग्स टू इंसर्ट स्टोरेज डिवाइस सच एज CDs एंड फ्लॉपी डिस्क। सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो सीपीयू होता है उसमें क्या क्या होता है, देखिए डिवाइस सच एज CDs एंड फ्लॉपी डिस्क, इसमें फ्लॉपी डिस्क होता है और CDs इसमें हम रख सकते हैं। देखिए ये जो है सीपीयू का एक डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसको आप लोग। सो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। व्हाट कैन कंप्यूटर डू, अब कंप्यूटर क्या कर सकता है। सो अब यहाँ पर वही देखेंगे कंप्यूटर क्या कर सकता है। सो इंट्रोडक्शन देखिए क्या है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस टू सिंपली द वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैनी फील्ड इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक मशीन है, ये कहता है कंप्यूटर एक मशीन है विच कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस टू सिंपली, जो कि बहुत सारे काम को सिंपली क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू द वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत सारे काम को ये सिंपली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैनी फील्ड इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, यानी कि जो कंप्यूटर जो है वो हर एक फील्ड में इसका काम आ सकता है और ये आगे भी इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि कहीं पर भी देखिए आप लोग, हर एक जगह पर। आगे मैं इसको इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कहाँ कहाँ पर मेनली कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर को जो है बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर देखिए क्या कह रहे हैं, पहला हमारा क्या है, इट कैन हेल्प यू इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, आपको अगर कंप्यूटर में आपको ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, तो आप सिंपली कंप्यूटर में कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में जैसे बनाया है यहाँ पर,
नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अ कंप्यूटर कैन प्ले म्यूज़िक। कंप्यूटर, अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आप कंप्यूटर में सुन सकते हैं। देखिए जैसे ये हेडफोन लगा करके सुन रहे हैं। नंबर थर्ड है, अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू टाइप अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ बनाना है, रिज्यूम बनाना है, तो आप जो है कंप्यूटर में बैठ करके बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी स्कूल खुलेगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ये सारा चीज़ें समझाऊंगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे ये नंबर थर्ड है, अ कंप्यूटर हेल्प यू टू टाइप अ डॉक्यूमेंट। तो इस ये जो जितने भी देखिए ये हेडिंग्स है, ये अ कंप्यूटर कैन प्ले म्यूज़िक, क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर, ये सारे आपको लिखने हैं। नोट यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर लिख करके फिर आपको नंबर वन, उसके बाद नंबर टू, ये सारे आपको जो है लिखने हैं। ठीक है, तो नंबर थर्ड फोर्थ में आ जाते हैं आप, अ कंप्यूटर हेल्प यू टू यूज़ द इंटरनेट। अब कंप्यूटर आपको जो है इंटरनेट यूज़ करने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ नंबर आपका आ जाता है, यू कैन प्ले गेम यूजिंग कंप्यूटर। तो आप जो है यू कैन प्ले गेम यूजिंग कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का यूज़ करके गेम खेल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सिक्स नंबर में क्या है, देखिए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू सेंड ईमेल। ईमेल जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आप लोगों को सभी को नॉर्मली पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे मोबाइल में भी, इसको हम लॉगिन करके रखते हैं। सो इसके बारे में क्लास में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू सेंड ईमेल, हम ईमेल को सेंड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई मैसेज वगैरह भेजने हैं हमें तो हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स यू टू वॉच मूवी, अब कंप्यूटर को जो है ये तो सभी सब आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो है आपको मूवी देखने के लिए हेल्प कर सकता है, इसमें मॉनिटर होता है। ठीक है, हम इसके हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। प्लेस वेयर कंप्यूटर आर इन यूज़, कहाँ कहाँ पर, देखिए ये वाला जो टॉपिक है अभी हम पढ़ेंगे, प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर इन यूज़, कहाँ कहाँ पर हम कंप्यूटर जहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन इन आवर लाइफ, कंप्यूटर एक जो है यूज़फुल मशीन है हमारे लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता होगा मोबाइल कंप्यूटर कितना यूज़फुल चीज़ है, गैजेट्स हैं, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन इन आवर लाइफ। लेट अस नोन द वेरियस प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, अब जो है कुछ हम ऐसे प्लेस के बारे में जानेंगे जहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहला हमारा जो है इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में जो है हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं। टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू एजुकेट एंड इट अलाउज द स्टूडेंट टू लर्न मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, क्या करते हैं कि टीचर्स भी जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सिखाने के लिए। एंड इट फॉलोज द स्टूडेंट टू लर्न मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, तो ये जो है मॉडर्न टूल और टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आजकल के ज़माने में जो काम करते हैं, ठीक है ना, और जितने भी टेक्नोलॉजी से उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है ना, सीखने के लिए हम जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्कूल में। ये डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को, कंप्यूटर लैब में देखिए बैठे हुए हैं और स्टूडेंट जो है अपना क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। इन बैंक, स्टूडेंट्स सभी आप लोग जो है बैंक में गए होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे तो कोई बात नहीं है, हम बता देता हूँ यहाँ पर। इन बैंक, बैंक में जो है कंप्यूटर का क्या, बैंक यूजेस कंप्यूटर टू स्टोर लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर अकाउंट्स, बैंक में क्या करता है, आप सभी को पता होगा बैंक में हमारा एक अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट का जो डिटेल होता है वो हम उस कंप्यूटर में बैंक में जो है स्टोर करके वो लोग रख देते हैं। सो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, बैंक यूजेस कंप्यूटर टू स्टोर लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर अकाउंट, तो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोगों के खाता होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो उस कंप्यूटर में लिस्ट होता है। ठीक है, उस कंप्यूटर में रहता है, ये देखिए बैंक में इस टाइप का ही कुछ होता है, कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, सामने काउंटर होता है जिसमें खड़े होकर के हम उनसे बात कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स, देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप पेशेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है ना, हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ करते हैं पेशेंट्स, जो मरीज होता है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सा मरीज आया है, कौन सा मरीज गया है, ठीक है ना। मेडिकल इंफॉर्मेशन लैंड टू परफॉर्म वेरियस मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद जो है आजकल तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे जैसे लैब में हो गया, अब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो आजकल वही कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, टेस्ट करते हैं ब्लड का सैंपल लेकर के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सारे चीज़ें हैं।
ये नेक्स्ट फिर से रिपीट हो गया है, इन ऑफिसेस। देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन ऑफिसेस। ऑफिस में क्या करते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। अब देखो ऑफिस में जैसे कंपनी हो गया, स्कूल में, ऑफिस में, ऑफिस कई तरह के हो सकते हैं, कंपनी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, अपने कोई पर्सनल बिजनेस के लिए भी हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत ही इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफिसेज यूज़ कंप्यूटर फॉर कॉमन पर्पज़ सच एज सेंडिंग ईमेल एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो जितने भी ऑफिस होता है मेनली हम नॉर्मली किस लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, फॉर कॉमन पर्पज़ सच एज सेंडिंग ईमेल एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो ईमेल भेजना है कभी, जैसे क्या होता है कि किसी को आप ऑफिस में बैठे हुए कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया तो आपको किसी दूसरे ऑफिस में क्या करना है, कोई मैसेज देना है, तो आप उसको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कुछ लिखना हो, तो आप जो है ईमेल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, अब जो है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। देखिए कंप्यूटर्स आर यूज टू बुक टिकट्स, टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ टिकट एट्सेट्रा, ठीक है। कंप्यूटर आर यूज टू बुक टिकट, अब टिकट बुक करने के लिए आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन हम टिकट बुक कर लेते हैं। टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एज ए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ टिकट, अब जो कंप्यूटर का यूज़ हम उस लिए भी करते हैं कि हमने जो सीट बुक किया है वो कितने नंबर है, कौन से नंबर का सीट है, खाली सीट खाली है भी या नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम जो है कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनिंग स्टेटस ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन। तो फ्लाइट का, फ्लाइट मतलब जो हमारे विमान सेवाएँ होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स के, तो कौन से विमान कब जा रहे आ रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन का टाइमिंग, कौन से ट्रेन का टाइमिंग क्या है, कब है, कब आ रही है, कब जा रही है, तो वो सारे चीज़ें हमें जो है मिलता है। स्टूडेंट्स ये जो आपको ये जो दिख रहा है आपको फ्री वीडियोस लिखा हुआ, तो ये चीज़ आप कॉपी में नोट मत करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये PDF से मैंने बनाए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन द मॉल, मॉल आप लोग जानते होंगे जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर आर यूज्ड इन मॉल टू कीप, कंप्यूटर आर यूज्ड इन मॉल टू कीप अ ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री एंड ऑल्सो इन बिलिंग एंड अकाउंटिंग सेक्शन। तो जो मॉल में आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर, कुछ लोग होते हैं जहाँ कंप्यूटर लेकर के खड़े रहते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, कुछ सामान आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, बिल पे करते हैं, यानी कि पैसा देते हैं, जो भी सामान आप खरीदते हैं उसका पैसा आप कंप्यूटर, कुछ लोग लेकर खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग सेक्शन होता है जहाँ पर जो है आपका पेमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, एट होम, घर पर भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज टू वॉच मूवीज, लिसन म्यूजिक, सेंड ईमेल्स एंड मेक स्कूल प्रोजेक्ट एट होम, ठीक है ना, घर में बैठ करके आप स्कूल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। आगे देखिए, थिंग्स ऑफ रिमेंबर, अब देखिए ये जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको इसमें मिलेगा, थिंग्स ऑफ रिमेंबर। सो क्या क्या है, कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक, स्कूल, ऑफिस एंड शॉपिंग मॉल, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है पहले। कंप्यूटर आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, एट द रेलवे सेक्शन फॉर बुकिंग टिकट एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन स्टेटस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको आंसर देने हैं, जैसे देखिए टिक, ठीक है ना, टिक करना है फॉर द एरिया वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है कंप्यूटर, प्ले म्यूजिक, कुक फूड, सेंड ईमेल, मेक ड्राइंग, वॉच मूवी, बुक टिकट, उसके बाद प्ले गेम, सॉल्व सम, पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आप उसको क्या करेंगे, कॉपी में, नोटबुक में उतारेंगे और इस क्वेश्चन को आपको करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, टिक फॉर द एरिया वेयर कंप्यूटर यूज, यानी कि इस ये जो एरिया है, देखिए प्ले म्यूजिक, ठीक है, कुक फूड, सेंड ईमेल, मेक ड्राइंग, वॉच मूवी, बुक टिकट, प्ले गेम, सॉल्व सम, पेशेंट रिकॉर्ड, तो ये कौन कौन सा प्लेस है जिसमें आप जो है कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्लेस में आपको लगता है कि जो भी प्लेस इसमें से सही है, तो उसी प्लेस में आपको क्या करने हैं, सिंपली टिक कर देने हैं। कैसे टिक करने हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसे टिक करने हैं, जो भी प्लेस आपको लगता है कि सही है तो उसी प्लेस में आपको जा करके क्या करने हैं, टिक करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसी प्लेस में जा करके आपको क्या करना है, जैसे टिक करने हैं, जैसे आपको लगता है कि ये वाला सही है तो ये वाला आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला सही है तो ये वाला, तो इस टाइप से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं हमें। आगे देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, ये जो है क्वेश्चन है इसको नोटबुक में उतारिएगा आप लोग, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मनी, ठीक है ना। जैसे देखिए कहाँ पर हम मनी का रिकॉर्ड रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बुक टिकट्स, अब टिकट बुक करने के लिए देखिए कहाँ पर टिकट बुक करते हैं हम, तो आप लोग इसमें से देखिएगा ये मैच है, ठीक है ना। मैं इसका PDF जो है जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारा चीज़ें जो है आप लोगों को मैं भेज दूँगा, ठीक है, PDF के साथ। आगे देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आता है, आई एम यूज़फुल, कंप्यूटर क्या कहता है, आई एम अ यूज़फुल एंड स्मार्ट मशीन, आई कैन डू मैनी थिंग फॉर यू, क्या कह रहा है कि मैं जो है बहुत ही यूज़फुल स्मार्ट मशीन हूँ, ठीक है। कंप्यूटर कहता है कि मैं जो है बहुत ही स्मार्ट मशीन हूँ, यूज़फुल मशीन हूँ, आई कैन डू मैनी थिंग फॉर यू, मैं आपके लिए जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई नेवर फील स्लीपी और टायर्ड, यानी कि मुझे कभी नींद जो है फील नहीं होता है, ठीक है ना, ये सब बता रहे हैं इसमें। आई कैन वर्क वेरी फास्ट फॉर यू, मैं जो है आपके लिए बहुत तेज़ी से काम कर सकता हूँ। आई कैन काउंट फॉर यू, मैं जो आप लोगों के लिए काउंट कर सकता हूँ, हिसाब किताब कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन हेल्प यू इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, मैं जो है आप लोग आपको ड्राइंग पेंटिंग में हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद कह रहे हैं आई कैन शो यू मूवी, मैं जो है आपको मूवी शो कर सकता हूँ, ठीक है ना, यानी कि दिखा सकता हूँ। आई कैन प्ले म्यूज़िक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन प्ले गेम ऑन मी, आप जो है मेरे उसमें गेम खेल सकते हैं। यू कैन यूज़ मी टू सेंड मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में आप कहीं पर भी आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर के यूज़ करके। आई कैन सॉल्व सम फॉर यू, मैं जो आप लोगों के लिए सम जो है सॉल्व कर सकता हूँ। सो इतना जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में है। मैं इस ये जो वीडियो लेक्चर है पूरा PDF में आप लोगों को भेज दूँगा, और उस PDF से देख करके आप लोग जो है अपने नोटबुक में इस काम को पूरा करिएगा, और जो जो पार्ट समझ में नहीं आता है वो आप लोग जो है मैसेज करके बता दीजिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया तो आप लोग बता दीजिएगा, और पॉसिबल हो तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करते टाइम उसको टिक भी कर लीजिएगा, ताकि क्लास में आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जितना भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाया है अभी, ये सारा चीज़ें मैं जो है आप लोगों को जब स्कूल खुलेगा तो मैं उस टाइम आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल करवाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।